बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न एक, अमेरिका भारत अमेरिका मैत्री का स्वर्ण काल माना जाता है। पहला आइजहावर समय को के समय को, दूसरा क्लिंटन के समय को, तीसरा जॉन एफ कैनेडी के समय को, या चौथा जॉर्ज बुश के समय को। सही विकल्प है तीसरा, जॉन ऑफ कैनेडी के समय को। दूसरा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 22 वर्षों की लंबी समयावधि के अंतराल के बाद भारत की यात्रा की थी। पहला बिल क्लिंटन ने, दूसरा जॉर्ज बुश ने, तीसरा आइजनहावर ने, या चौथा जॉन एफ कैनेडी ने। सही विकल्प है पहला, बिल क्लिंटन ने। तीसरा, पीएल 480 पर अमेरिका भारत के मध्य कब समझौता हुआ। पहला 1960 में, दूसरा 1971 में, तीसरा 1975 में, या चौथा 1955 में। सही विकल्प है पहला 1960 में। चौथा, भारत रूस के बीच प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। पहला अक्टूबर 2000 में, दूसरा नवंबर 2001 में, तीसरा दिसंबर 2002 में, या चौथा दिसंबर 2005 में। सही विकल्प है चौथा, दिसंबर 2005 में। पांचवा, डॉक्टर मनमोहन सिंह व व्लादिमीर पुतिन के मध्य बहुउद्देश्यीय सैन्य परिवहन विमानों के संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किया गया। पहला 12 नवंबर 2006 को, दूसरा 12 नवंबर 2007 को, तीसरा 31 दिसंबर 2007 को, या चौथा 10 अप्रैल 2008 को। सही विकल्प है दूसरा 12 नवंबर 2007 को। छठा, लड़ाकू विमान बनाने में मदद देने के बारे में समझौता हुआ। पहला अमेरिका और भारत में, दूसरा भारत और पाकिस्तान में, तीसरा भारत और चीन में, या चौथा भारत और रूस में। सही विकल्प है चौथा, भारत और रूस में। सातवां, सोवियत संघ का विघटन हुआ था। पहला अक्टूबर 1984 में, दूसरा जनवरी 1988 में, तीसरा दिसंबर 1991 में, या चौथा अक्टूबर 2002 में। सही विकल्प है तीसरा, दिसंबर 1991 में। आठवां, भारत चीन संबंधों में सद्भावना के वर्ष कहे जाते हैं। पहला 1965 से 71, दूसरा 1989 से 97, तीसरा 1998 से 2002, या चौथा 2003 से 2008। सही विकल्प है दूसरा 1989 से 1987। नौवां, मई 2015 में भारत चीन के मध्य संपन्न हुए। पहला 7 समझौते, दूसरा 9 समझौते, तीसरा 24 समझौते, या चौथा 18 समझौते। सही विकल्प है तीसरा 24 समझौते। दसवां, 2016 में भारत सरकार ने किस देश से दूध तथा उससे बने उत्पादों के आयात पर लगे प्रतिबंध की अवधि 1 वर्ष और बढ़ा दी। पहला चीन, दूसरा डेनमार्क, तीसरा इंडोनेशिया, या चौथा अमेरिका। सही विकल्प है पहला चीन। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति। पहला, भारत पाक युद्ध में हिंद महासागर में रिक्त स्थान ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भेजा था। उत्तर अमेरिका। दूसरा, रिक्त स्थान में बुश की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अमेरिका सैनिक परमाणु समझौते पर सहमति बनी। उत्तर मार्च 2006। तीसरा, एडमिरल गोर्शकोव को खरीद हेतु भारत रूस के बीच रिक्त स्थान में अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया। उत्तर जनवरी 2004 में। चौथा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23-24 दिसंबर 2015 की रूस यात्रा के दौरान भारत रूस के मध्य रिक्त स्थान महत्वपूर्ण समझौते हस्ताक्षरित हुए। उत्तर 16। पांचवा, सितंबर 2014 में भारत आए चीनी राष्ट्रपति का नाम रिक्त स्थान था। उत्तर शी जिनपिंग। छठा, भारत अमेरिका के मध्य रिक्त स्थान को एक परमाणु समझौता हुआ। उत्तर अक्टूबर 2008 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। पहला, भारत चीन संबंधों का उल्लेख करने वाली हाइट एव ग्लोरी पुस्तक की रचना डॉक्टर विवासी ने की थी। उत्तर सत्य। दूसरा,
1965 तथा 1971 के भारत पाक युद्ध में चीनी दृष्टिकोण पूर्णतया भारत का समर्थक रहा था? उत्तर, असत्य। तीसरा, सर्वप्रथम पंचशील का उल्लेख भारत और चीन के मध्य 1956 में हुए समझौते में किया गया? उत्तर, असत्य। चौथा, भारत रूस मित्रता समय की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है? उत्तर, असत्य। पांचवा, रूसी राष्ट्रपति येलत्सिन ने कश्मीर समस्या पर भारतीय दृष्टिकोण को पूर्ण समर्थन प्रदान किया? उत्तर, सत्य। छठा, नरेंद्र मोदी ने सन 25-26 जून 2017 को अमेरिका की यात्रा की? उत्तर, सत्य। सातवा, पश्चिमी गुट का प्रमुख देश सोवियत संघ था? उत्तर, सत्य। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न एक, भारत अमेरिका चतुर्गित मुद्दा? उत्तर, 2003। दूसरा, मैकमोहन सीमा रेखा निर्धारण? उत्तर, 1914। तीसरा, चीन द्वारा एक पक्षीय युद्ध विराम? उत्तर, 21 नवंबर 1962। चौथा, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला? उत्तर, 11 सितंबर 2001। पांचवा, तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा द्वारा भारत में शरण? उत्तर, 1959। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न एक, किन देशों के मध्य PL480 समझौता हुआ, 480 समझौता हुआ? उत्तर, भारत अमेरिका। प्रश्न दो, भारत अमेरिका के बीच परमाणु ऊर्जा पर आधारित लिगो परियोजना समझौता कब हुआ? उत्तर, 1 अप्रैल 2016 में। प्रश्न तीन, भारत का रूस के साथ किस क्षेत्र में सबसे विशाल सहयोग कार्यक्रम है? उत्तर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। प्रश्न चार, भारत सोवियत रूस मित्रता एवं सहयोग संधि कब हुई थी? उत्तर, 1993 में। प्रश्न पाँच, भारत एवं अमेरिका के मध्य महत्वपूर्ण प्रत्यर्पण संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? उत्तर, जून 1997 में। प्रश्न छः, भारत चीन युद्ध कब हुआ था अथवा चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर, 1962 में। प्रश्न सात, भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित करने हेतु समझौता कब हुआ था? उत्तर, 7 सितंबर 1993 को। प्रश्न आठ, संघाई में पहली बार भारत तथा चीन की नौसेनाओं का प्रथम संयुक्त अभ्यास कब हुआ था? उत्तर, 15 से 18 सितंबर 2000 को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न एक, दियोगा गार्सिया में किसका नौसैनिक अड्डे हैं? उत्तर, हिंद महासागर के डियोग गार्सिया क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक अड्डे हैं। प्रश्न दो, भारत द्वारा 1974 में पोखरण राजस्थान में किए गए परमाणु परीक्षण पर अमेरिका की क्या प्रक्रिया थी? उत्तर, अमेरिका ने भारतीय परमाणु परीक्षण की कटु आलोचना करते हुए इसे दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की दौड़ का उत्प्रेरक बताया था। प्रश्न तीन, भारत द्वारा 11 एवं 13 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण पर अमेरिका की क्या प्रक्रिया थी? उत्तर, अमेरिका ने भारतीय परमाणु परीक्षणों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। प्रश्न चार, जनवरी 1991 में अमेरिका ने रूस पर दबाव डालकर किस सौदे को रद्द करा दिया था? उत्तर, जनवरी 1991 में अमेरिका ने रूस पर दबाव डालकर भारत रूस क्रायोजिक प्रौद्योगिकी एवं इंजन सौदा रद्द करा दिया था। प्रश्न पाँच, भारत का रूस के साथ किस क्षेत्र में सबसे विशाल सहयोग कार्यक्रम है? उत्तर, भारत का रूस के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सबसे विशाल सहयोग कार्यक्रम है। प्रश्न छः, 1962 के भारत चीन युद्ध का क्या कारण था? उत्तर, 1962 के भारत चीन युद्ध का प्रमुख कारण तिब्बत समस्या, कोरिया समस्या तथा दोनों देशों का सीमा विवाद था। प्रश्न सात, चीन पाकिस्तान को किस यांत्रिकी का निर्यात कर रहा है? उत्तर, चीन पाकिस्तान को आणविक शस्त्र निर्यात कर रहा है। प्रश्न आठ, भारत चीन के मध्य किस सीमा रेखा को मानता है? उत्तर, भारत
मैकमोहन रेखा को मानता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न एक, भारत अमेरिका के मध्य मतभेद के प्रमुख चार मुद्दों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत अमेरिका के मध्य मतभेद के प्रमुख मुद्दे निम्न प्रकार हैं। पहला, तिब्बत के बारे में भारत द्वारा चीन से किए गए समझौते को अमेरिका भारत का साम्यवाद के प्रति समर्पण मानता है। दूसरा, समय समय पर पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति भी भारत अमेरिका संबंधों में मतभेद पैदा करती है। तीसरा, भारत का इसराइल संबंधी दृष्टिकोण भी दोनों देशों के मध्य मतभेद पैदा करता है। चौथा, भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर अमेरिका का डुलमुल रवैया भी दोनों देशों के मध्य मतभेद का प्रमुख मुद्दा है। प्रश्न दो, भारत अमेरिका संबंध अनिश्चित रहा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, भारत अमेरिका संबंधों के अनिश्चित होने का मुख्य कारण दोनों देशों का पृथक पृथक दृष्टिकोण है, जहां अमेरिका अपने नेतृत्व में बनी सुरक्षा संधियों में भारत के शामिल न होने एवं गुटनिरपेक्षता नीति पर चलने से नाराज़ रहता है। वहीं हमें पड़ोसी पाकिस्तान को समय समय पर अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति पर आपत्ति होती है। हालांकि कुछ वर्षों से भारत अमेरिका के मध्य अनेक क्षेत्रों में घनिष्ठता में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मूलभूत राजनीतिक मतभेद अभी तक कायम है, जिससे कश्मीर मुद्दा तथा परमाणु निशस्त्रीकरण उल्लेखनीय हैं। सर्वविदित है कि अमेरिका भारत के साथ संबंध विकसित करने में जो गर्मजोशी दिखा रहा है, उसके पीछे भारतीयों बाजारों में बढ़ता हुआ चीनी प्रभाव है। वास्तविकता तो यह है कि वर्तमान में भी दोनों देशों के संबंध अनिश्चित ही हैं। प्रश्न तीन, भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते के कोई चार प्रमुख बिंदु लिखिए। उत्तर, मार्च 2006 में हुए भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं। पहला, भारत अपने 22 परमाणु रिएक्टरों में से 14 को गैर सैन्य अथवा असैनिक श्रेणी में लाएगा। दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा आयोग को प्रस्तावित करेगा कि उसके कौन कौन से परमाणु रिएक्टर निगरानी में रखे जाएं। तीसरा, भारत को यूरेनियम का सुरक्षित भंडार करने की छूट होगी। चौथा, रिएक्टरों की श्रेणी निर्धारित करने का अधिकार स्वयं भारत को होगा। प्रश्न चार, PL-480 समझौता किन देशों के बीच हुआ और उसकी शर्तें लिखिए। उत्तर, भारत तथा अमेरिका के बीच मई 1960 में 4 वर्ष की समयावधि के लिए PL-480 समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने भारत को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजने का आश्वासन दिया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि PL-480 का आशय पब्लिक ला 480 था। 1964 में भारत में भारी खाद्य संकट की घड़ी में भी अमेरिका ने इसी समझौते के अंतर्गत भारत को भारी मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति की थी। इसी समझौते के अंतर्गत अमेरिका ने भारतीय कृषि वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित करने के साथ साथ भारत में कृषि संस्थानों की स्थापना में भी अपना योगदान एवं सहयोग दिया था। प्रश्न पाँच, व्लादिमीर पुतिन की वर्ष 2000 भारत में भारत यात्रा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, 24 दिसंबर 2002 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान 10 महत्वपूर्ण समझौते हस्ताक्षरित हुए। इनमें 42 नए सुखोई 30 लड़ाकू विमान तथा 71 MI-17B5 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति सहित परस्पर सहयोग के 22,000 करोड़ के समझौते सम्मिलित थे। रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के अवसर पर एक संयुक्त बयान जारी करते हुए विवादास्पद मुद्दों को दरकिनार करते हुए 40 से अधिक मसलों पर सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई। प्रश्न 6, भारत रूस मैत्री और सहयोग संधि 1993 के क्या मुख्य प्रावधान हैं? उत्तर, जनवरी 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मैत्री और सहयोग की संधि हस्ताक्षरित की गई। इन संधि के मुख्य प्रावधान निम्नांकित थे। पहला, भारत तथा रूस दोनों देशों में से कोई भी देश कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा
जिससे परस्पर एक दूसरे के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। दूसरा, भारत तथा रूस दोनों देश परस्पर एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। प्रश्न 7, भारत चीन मित्रता के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं, अथवा भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। उत्तर, हालांकि भारत चीन मित्रता के रास्ते में अनेक रुकावटें हैं, लेकिन उनमें सर्वप्रमुख बाधा पाक चीन संबंधों को लेकर है। चीन ने जहां पाकिस्तान को मिसाइल तकनीक प्रदत्त की, वहीं भारत में दलाई लामा की मौजूदगी एवं उसके कार्यों को चीन ने हमेशा ही संदेह की दृष्टि से देखा है। चीन ने पाकिस्तान को सिर्फ प्रक्षेपास्त्र ही नहीं दिए, बल्कि गौरी जैसी प्रक्षेपास्त्र को निर्मित करने में प्रत्येक प्रकार की मदद भी दी। मई 1998 में पाकिस्तान द्वारा जो परमाणु परीक्षण किए गए थे, वे भी चीन की देन कहे जा सकते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि स्वयं अणु अस्त्रों का विपुल भंडार रखने वाला चीन भारत को अणु शक्ति वाला देश बन जाने पर ईर्ष्या करता है। यह उसी का प्रतिफल है कि वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देकर भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है। प्रश्न 8, चीन भारत के बीच सन 2013 में सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते की 4 शर्तें लिखिए। उत्तर, चीन भारत सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता 2013 की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार थी। पहला, 23 अक्टूबर 2013 को भारत चीन के मध्य सीमा सुरक्षा सहयोग समझौता की प्रमुख शर्त दोनों देशों की परस्पर विश्वास बहाली के उपायों को लागू करना था। दूसरा, भारत चीन अपने अपने कानूनों तथा प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सीमा रक्षा सहयोग करेंगे। तीसरा, भारत चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ फ्लैग मीटिंग अथवा बैठक आयोजित की जाएंगी। चौथा, भारत चीन सीमा पर परामर्श तथा समन्वय हेतु कार्यतंत्र की वार्षिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, भारत अमेरिका के संबंधों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पारस्परिक संबंधों का इतिहास कोई अधिक अच्छा नहीं रहा है। दोनों राष्ट्रों में कभी निकटता तो कभी दूरियां पनपती रही हैं। मार्च 2000 से भारत अमेरिका के संबंधों में मधुरता आना शुरू हुआ। 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने 21 मार्च 2000 से 5 दिवसीय भारत यात्रा की, जिससे दोनों देशों के संबंधों में एक नया मोड़ आया। नवंबर 2001 तथा जुलाई 2005 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्राओं से दोनों देशों के संबंधों में और काफ़ी अधिक मधुरता का संचार हुआ, जहां जून 2005 में भारत अमेरिका के मध्य 10 वर्षीय रक्षा समझौता हस्ताक्षर हुआ। वहीं इसी वर्ष दोनों देशों के बीच कृषि सहयोग समझौता करके संबंधों को नए आयाम प्रदान किए गए। भारत अमेरिका संबंधों के इतिहास में मार्च 2006 की अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा ने नया अध्याय जोड़ दिया। इस यात्रा के दौरान 2 मार्च 2006 को ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते को हस्ताक्षरित किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 को मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान नाभिकीय समझौता हुआ। बराक ओबामा ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 66वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2015 में मुख्य अतिथि की भूमिका का निर्वहन किया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका कांग्रेस को संबोधित किया। द्विपक्षीय संबंधों में नए युग का सूत्रपात करते हुए ओबामा ने अपनी कार्यकारी शक्ति प्रयोग करके भारतीय परमाणु रिएक्टरों को जाँच के प्रावधान से मुक्त कर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 जून 2017 को अमेरिका की यात्रा पर गए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा समुद्री सुरक्षा में कारगर गार्जियर ड्रोन की भारत को बिक्री की मंजूरी देने के अलावा दोनों देशों द्वारा समान स्तर पर अत्याधुनिक रक्षा उपकरण एवं प्रौद्योगिकी पर साथ मिलकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई। वर्तमान में दोनों देशों के पारस्परिक संबंध नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं।
प्रश्न दो, भारत रूस संबंधों पर की विवेचना कीजिए। उत्तर, 9 अगस्त 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि 19 नवंबर 1988 को तब और प्रगाढ़ हो गई जब राष्ट्रपति गोर्बाचोव की शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु 1987 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में दोनों देशों ने आर्थिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए कार्यकारी दल गठित किया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत के साथ संबंधों में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य ने ले लिया है। 27 जनवरी 1993 को रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की 3 दिवसीय भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच पुनः गहरी दोस्ती की ज्योति जगमगा उठी। अक्टूबर 2000 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 4 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारत रूस के मध्य राजनीतिक सहभागिता के एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए। नवंबर 2001 में भारत चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की रूस यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर मास्को घोषणा पत्र हस्ताक्षर करके संबंधों में गर्मजोशी का संचार किया गया। मई एवं नवंबर 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से दोनों देशों की मैत्रीपूर्ण संबंधों को काफ़ी बल मिला। जनवरी 2004 में रूसी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा के दौरान वायुयान वाहक एडमिरल गोर्शकोव की खरीदारी हेतु एक अनुबंध हस्ताक्षर किया गया। दिसंबर 2005 में भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तथा रूसी राष्ट्रपति के मध्य मास्को में हुए प्रथम शिखर सम्मेलन में बौद्धिक संपदा सहित 3 समझौते हस्ताक्षरित किए गए। नवंबर 2007 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की रूस यात्रा दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर सिद्ध हुई। इस दौरान अनेक समझौते किए गए। 12 मार्च 2010 को व्लादिमीर पुतिन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान 22 समझौते किए। 21 दिसंबर 2010 को दमित्री मेदवेदेव की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में गर्माहट आई। 12 से 17 दिसंबर 2011 को रूसी राष्ट्रपति व भारतीय प्रधानमंत्री के बीच 12वीं शिखर वार्ता हुई। जनवरी 2012 में रूस ने नेरपा परमाणु पनडुब्बी भारत को सौंपी। जुलाई 2014 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भेंट के समय द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। 11 दिसंबर 2014 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान $100 बिलियन के 20 समझौते हस्ताक्षरित हुए। 31 मई 2017 तथा 21 से 22 मई 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी रूस गए। उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और बेहतर हुए। प्रश्न 3, भारत चीन के वर्तमान संबंधों की विवेचना कीजिए। उत्तर, भारत एवं चीन एशिया महाद्वीप की 2 बड़ी शक्तियां हैं। चीन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण शुरू से ही मित्रतापूर्ण रहा। 1959 में चीन ने भारतीय सीमा का स्पष्ट उल्लंघन किया तथा 8 सितंबर 1962 को भारत पर सैनिक आक्रमण कर दिया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एकपक्षीय युद्ध विराम घोषित कर दिया। 1965 तथा 1971 में भारत पाक युद्ध में चीन का दृष्टिकोण भारत विरोधी ही रहा। हालांकि 1968 से ही दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन 1976 में भारत चीन के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के उपरांत ही दोनों देशों के संबंध सुधार में सफलता मिल सकी। मई 1980 में भारत चीन शासन अध्यक्षों के बीच बेलग्रेड वार्ता से स्पष्ट हो गया कि दोनों ही देश संबंध सुधारने हेतु उत्सुक हैं। दिसंबर 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री की चीन यात्रा से सद्भावना का वातावरण निर्मित हुआ। कारगिल संकट के समय चीन ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अप्रैल 2000 को भारत चीन संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई तथा दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए जून 2000 में तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति नारायण ने चीन को यात्रा की थी। इस क्रम में जनवरी 2002 में चीनी प्रधानमंत्री छू रेंगजी की भारत यात्रा
ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत डोर्स में बांधने का काम किया। जून 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में व्यापक स्तर पर सुधार हुआ तथा भारत चीन के बीच ऐतिहासिक घोषणा पत्र तथा 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। अप्रैल 2005 में चीनी प्रधानमंत्री जियाबाओ की भारत यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर विस्तृत वार्ता हुई तथा चीन ने सिक्किम को भारत का अभिन्न हिस्सा स्वीकारा, जो कि सदैव विवादित था। नवंबर 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने अपनी भारत यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 2010 तक 2 गुना करके $40 अरब तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान 13 समझौते हस्ताक्षरित किए गए। दिसंबर 2010 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबो की भारत यात्रा के दौरान 6 सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुए। 2012 में चीन में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद शी जिनपिंग राष्ट्रपति तथा ली केकियांग ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत चीन संबंधों में नया मोड़ आया। 17 से 19 सितंबर 2014 को चीनी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान 16 समझौते हस्ताक्षरित हुए। 14 से 16 मई 2015 की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के दौरान 24 समझौते हस्ताक्षरित होना इस बात का परिचारक है कि दोनों देश एक बार फिर पास पास आए। 28 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के दौरान सीमा विवाद पर भरोसे से संबंध बेहतर करने पर सहमति हुई। अध्याय 22 यहाँ समाप्त हुआ।